नेटवर्क ठीक है ना आराध्य? आपके यहाँ क्या? सर यहाँ पे बहुत कभी कभी ठंड होती है, मौसम खराब हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, गड़बड़ हो जाता है। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज क्लास में, पिछले क्लास में बीच में चली गई थी ना, यस इसलिए। सर, वो एक्चुअली डेस्कटॉप ऑफ हो गया था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक में हम जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम नोमेनक्लेचर तो ऑलमोस्ट हम पढ़ा ही चुके हैं। लिखिए द इनिशियल, इसके बाद फिर एक नई चीज मैं पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज 6 atm। एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 8 atm। द इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5 6 atm एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 8 atm, द वैल्यू ऑफ द Kp। आपको रिएक्शंस दिया हुआ है, PCl5 गैस, इसी से रिलेटेड एक हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। लिख लिया, बताइए। यस सर। तो हमने आपको कहा था इस क्वेश्चंस को भी करने के वही तरीके हैं जो मोल के फॉर्म में थे, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो इनिशियल प्रेशर इसका है 6 0 0 6 - P E और P। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 8 atm। तो टोटल प्रेशर का मतलब हुआ कि आप सबको ऐड करेंगे, 6 - P प्लस P प्लस P, ये अकॉर्डिंग टू द रूल 6 + P, तो P इज इक्वल टू 2 atm। बस अब आपको केपी का एक्सप्रेशन मालूम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो P की वैल्यू 2, 2 × 2, PCl5 6 - 2, 4, मतलब 1। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम KP के निकालने का दूसरा तरीका बताएंगे।
हाँ निकले सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। चलिए टॉपिक डालिएगा, गौर से सुनिएगा कि अब हम जो इस पर जो नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है, एक्सप्रेशन ऑफ केपी, एक्सप्रेशन ऑफ केपी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन ये जो केपी का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब तक जो केपी निकाला था उसमें इनिशियल प्रेशर वगैरह सब था, इक्विलिब्रियम का प्रेशर दिया रहता था, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं थी। अब जो एक केपी का जो न्यूमेरिकल आएगा वो अल्फा के फॉर्म में आएगा, और आप जब पेपर को आप देखेंगे एनालाइज करेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो या नीट जी का हो, ये तीन इक्वेशन पर डिपेंड करता है। अगर ये तीन का एक, ये एक इक्वेशन, एक इक्वेशन ये लिखना नहीं है, S2+I2 जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, और एक आपके पास आया PCl5 हो गया और एक है N2O42NO2, ये तीन। इसका केपी का फॉर्मूला अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो तो जो न्यूमेरिकल 2 मिनट में होता है वो आपको 10 सेकंड में होगा। तीन फॉर्मूला याद, उसको थम आपको बताएंगे। सर इसके अलावा अगर कोई है तो इसी सारा न्यूमेरिकल PCl5 ना देकर एग्जामिनर ऐसे दे देगा, X gives Y + Z, तो जो इसका ये जो इक्वेशन का फॉर्मूला है भाई इसी का आएगा कि नहीं? एक्स देखिए रिएक्टेंट है, Y+Z दो प्रोडक्ट है। बोलिए आपको न्यूमेरिकल ये इसके फॉर्म में इस तरह भी दे सकता है। Did you understand everyone? Hello everyone, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो ये हम तीन इक्वेशन का आज आपको सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे निकालते हैं, इसलिए मैं दोनों मेथड बताऊंगा। तो फॉर्मूला ड्राइव भी होगा, और जो फॉर्मूला ड्राइव करने का मेथड है वही डिटेल मेथड है न्यूमेरिकल को करने का। और अगर डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो इससे अच्छा कोई मेथड ही नहीं है। तीन, बस तीन को याद रखना है, सारा केपी इन टर्म्स ऑफ एल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके अलावा अगर कोई आ जाए तो इसलिए मैं डिटेल मेथड भी आपको बता रहा हूँ कि डिटेल मेथड भी आपको आना चाहिए। इसलिए टॉपिक यह है कि एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम केपी सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या टॉपिक आप लोगों ने लिखा, जल्दी बताइए। यस सर। देखिए मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ करने का जो मेथड है वही डिटेल सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल करने का भी। तो पहला है आपके पास एग्जांपल है PCl5 गैस, आपको यहां पर कोई इनिशियल प्रेशर का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देखिए हम कैसे निकालें। इनिशियल मोल, मैं मोल लिख देता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो, यहां पर प्रेशर नहीं ले रहा है, मोल ए 0 0 एट इक्विलिब्रियम A-X, XX। आप सुनो तीसरा स्टेप कैसे लेंगे, गौर से सुनिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोल, सारे लोग देखिएगा, मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल है, इसी के रेशियो को कहते हैं डिग्री ऑफ, यानी इनिशियल मोल का कितना मोल डिसोसिएट हुआ, मतलब अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। तो अब बताओ इस न्यूमेरिकल में PCl5 का कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो जो माइनस करके आता है ना वही डिसोसिएटेड होता है X। इनिशियल मोल कितना है A, तो बताइए यहां से X इज इक्वल टू A अल्फा आ गया, बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, यस सर।
बताओ इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन को, इसलिए आप जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो कहीं कहीं पर इस तरह भी लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्स अब तक क्वेश्चन मोल के फॉर्म में किया था, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में किया, अब वही केपी आपको पार्शियल प्रेशर नहीं देगा, कहेगा 2 मोल ऑफ द पीसीएल 5 एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 60% डिसोसिएटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी। तो आप इस मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मोल दिया हुआ है 60% डिसोसिएशन है। ये मेथड तभी इस्तेमाल होगा जब आपको इनिशियल और इक्विलिब्रियम का कोई इंफॉर्मेशन दे। इसीलिए मेथड जैसे कहेगा डिटेल मेथड, तो हम इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे उसकी वजह हम बताएंगे। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। तो आपके पास है ये कैंसिल होगा, ए वन प्लस अल्फा आ गया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, केपी का जो फॉर्मूला लिखते हैं, तो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसेस स्टेट में डाल्टन्स लॉ में आपने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कैसे निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, टोटल प्रेशर सबका हम P मान लेंगे क्योंकि कंटेनर में सब एक है। मोल फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि इसके मोल को, एक मिनट, अच्छा पहले एक मिनट, यहां से यहां तक लिखिए आप लोग, पहले ये लिखिए तो जल्दी से सारे। हाँ लिख लिया सारे लोगों ने? जी सर। आप सुनिए एक मिनट, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि उसके मोल्स को, PCl5 का मोल इक्विलिब्रियम पर कितना है, a माइनस a अल्फा है, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना। पढ़ा है ना पहले चैप्टर में, बोलिए गवाह है ना आप लोग। हेलो एवरीवन। यस सर। 1 माइनस अल्फा प्लस 1, ये आपको आया टोटल। यही डिटेल मेथड भी है, आपको दे देता, आपको इसी तरह बनाना भी है। आप बताइए PCl3 का, तो इसका भी पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन है ए अल्फा बाय ए वन प्लस अल्फा, तो ए ए कैंसिल, तो पी इनटू अल्फा बाय वन प्लस अल्फा, और यही इसके बराबर भी होगा, यह पी
देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एल टू भी यही है एग्जैक्टली जो पी सी एल थ्री का होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अल्फा पी बाई वन प्लस अल्फा। बताइए इस स्लाइड में कोई डाउट है, पिछले स्लाइड में कोई डाउट था? नो सर। इस स्लाइड में कोई डाउट है? जल्दी बताइए साइंटिस्ट लोग। नो सर। नो सर। चलिए लिखिए लिखिए। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन, जी कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब आइए कि केपी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ पी सी एल थ्री प्रोडक्ट का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एल टू डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ पी सी एल फाइव। अब दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अल्फा पी दो दफा है, अल्फा पी वन प्लस अल्फा, अल्फा पी वन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई आपके पास है पी इंटू वन माइनस अल्फा प्लस वन प्लस अल्फा। अब देखिए एक पी कैंसिल हो गया। अब देखिए फाइनली इक्वेशन देखिए आपके पास अल्फा स्क्वायर पी बचा, वन प्लस अल्फा एक तो कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलिए। यस। नीचे बचेगा वन माइनस अल्फा स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। वन प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी वन ए माइनस होता है ना भाई, पढ़ा है ना आपने। यस सर। अल्फा स्क्वायर, बोलिए आया समझ में। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, बस जिसने इस इक्वेशन को आप देखिए मैं आपको याद करा दूंगा कंक्लूजन के अगर आपको इस तरह का न्यूमेरिकल दे दे कि पी सेल फाइव है इसका दो मोल है इतने डिग्री पर 60% डिसोसिएट हुआ एट 1 atm प्रेशर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी। अगर आपको इक्वेशन या तीन इक्वेशन याद होनी चाहिए वो प्रैक्टिस से आ जाएगा तो याद रखिए आप डायरेक्ट इतना ना करते हो डायरेक्ट केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी वन माइनस अल्फा स्क्वायर। अब बस इसके बेसिस पर ये बात साबित हुई कि अगर हमें कोई इस तरह का भी इक्वेशन दिया हुआ है वाई प्लस जेड बताइए वन रेशियो वन है ना जो इस तरह है तो इसका भी इक्वेशन यही होगा। आपको पी सेल फाइव को आंख पर इमेज बना लेनी है इस तरह का इक्वेशन जब भी होगा तो अल्फा रिएक्टेंट में कोफिशिएंट वन प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट दो बने वन रेशियो वन तो इसका अल्फा स्क्वायर पी वन माइनस अल्फा स्क्वायर ये फॉर्मूला याद रखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। हेलो yes, sir. Yes, sir. तो आप इतने टाइम से बच जाएंगे जो आपको से हाँ कोई कहेगा हमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इसी मेथड से बनाइए डिटेल मेथड ये लिख लिख के कीजिए ये यही है डिटेल मेथड समझा। लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए जरूरी है कि तीन इक्वेशन का केपी इन टर्म्स ऑफ अल्फा याद होना चाहिए। अच्छा मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इस इक्वेशन आपके सामने है अगर मैं पूछूं प्रेशर बढ़ाया तो केपी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी जल्दी बताइए। बढ़ेगी। बढ़ेगी। अरसलान आप बताएं। बढ़ेगी।
बढ़ेगी, वरना वही ना कह रहे हैं आप लोग एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं, केपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दो ही मेन फैक्टर होता है, स्टोइकियोमेट्रिक और टेम्परेचर। ये जानबूझ के मैंने पूछा है, कोई जानबूझ के टीचर पूछेगा नहीं, दस दस दफे सिखा दिया, लेकिन आप लोग नशे में पढ़ते हैं ना। कीजिए यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिए तो यही सब होगा। आप तो मैनेज करते हैं ना, स्टूडेंट सब पढ़ते हैं, आप जो कोचिंग ज्वाइन किया है तो आपका मकसद ही है यूनिट टेस्ट की तैयारी करना। ये कितनी दफा बोल दिया गया है कि केपी का अफेक्टिंग फैक्टर दो ही है, स्टोइकियोमेट्रिक एंड टेम्परेचर। केपी इज इंडिपेंडेंट, केपी या केसी नॉन अफेक्टिंग फैक्टर, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कैटलिस्ट। हाँ, इन सब का अफेक्ट इक्विलिब्रियम पर हो सकता है, केपी पर नहीं होगा। वो जानबूझ के लिखिएगा, देखो देखो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओ माय गॉड, आया समझ में? यस। अरे जिन्होंने गलत आंसर दिया था उनको आया? यस सर। यस सर। यस प्लीज। कितना मैं रिवीजन करा करा के थक गया हूं हर क्लास में। ये दिलो दिमाग में बांट लें, केपी केसी दो ही बातों पर मेनली डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शंस। वो जानबूझ के इसी तरह तो पूछेगा, लिख देगा, कहेगा पी बढ़ाएंगे तो बताओ केपी पर। स्टूडेंट मैथ लगाएगा, कॉमन सेंस नहीं लगाएगा, मैथ लगाएगा। तो आप पढ़ने के लिए थोड़ी ना आते हैं जी मेन्स सबके लिए या किसके लिए, नॉलेज के लिए। आप बस आते हैं, हम पढ़े स्कूल में नहीं समझ में आता इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो यही सब फालतू आंसर सब देंगे आप। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ये लिख लिया था आप लोगों ने, हेलो एवरीवन, ये तो लिख ही लिया था। यस, ये लिखिए, ये लिखिए जल्दी से। लिख लिया? Yes, कंक्लूड करके भी लिख लीजिए, इस तरह का कोई भी इक्वेशन होगा। Has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. Numerical कराएंगे अब, example two, दूसरा reaction क्या याद रखना है, समझा कि नहीं वो ध्यान दें। N2O4 गैस है। अच्छा एक मिनट, जैसे अगर मैं यहां पर पूछूं, एक मिनट, C2H6 गैस है, C2H4 गैस है, H2 गैस है, बताइए इसका बताओ, एकदम 1:1 है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसका भी KP डायरेक्ट बताओ, अल्फा स्क्वायर P1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिखोगे कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना।
हाँ, तो जान बुझ के एग्जामिनर क्या करेगा, कोई पीसीएल फाइव के तर्ज पर दूसरा इक्वेशन दे देगा। आपको याद रखना 1:1:1 रिएक्टेंट पीसीएल फाइव प्रोडक्ट दो बने, दोनों का मोल 1:1 हो, काफी कुछ इस तरह दिमाग रखना है। सारा इक्वेशन, सारा न्यूमेरिकल इसी 3-4 इक्वेशन के आगे पीछे है, जो भी बुक बनाएगी आप। इसलिए मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूं। आप देखिए N2O4 है, गैस है, 2NO2 है। अगेन देखिए, अगर आपको ना समझ में आए फिर अगेन A₀ A-X X। अब देखिए अल्फा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगेन अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड, कितना मोल है X, इनिशियल A, तो X इज इक्वल टू A अल्फा। इसलिए मैं साइड में लिख लिख के भी समझा रहा हूँ, A माइनस A अल्फा X की, अच्छा यहाँ पर 2X होगा चूंकि 2 है तो 2A अल्फा हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या किया था, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाला था। देखिए दूसरी दफा समझाया जा रहा है, डिटेल मेथड इसी तरह करेंगे, ए माइनस ए अल्फा प्लस 2A अल्फा, तो A इंटू 1 प्लस अल्फा। बताइए यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना, दोबारा रिपीट हो गया आपका, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर। हाँ देखिए, एक को समझिए दूसरा अपने आप आएगा, उसी दिन पढ़ने से होता है, ऐसे नहीं होता। लिखिए जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो थोड़ा पढ़ के आएंगे। हेलो एवरीवन, हेलो, यस 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 सर। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा काम आएगा, केमिकल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा आप देख कराएंगे। लिख लिया, बताइए। यस सर, थैंक यू। अब देखिए तीसरा स्टेप ये है, भाई केपी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। देखो इसका मोल है 2A अल्फा, 2A अल्फा बाई A इंटू 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर P, N2O4 का मोल है A माइनस A कॉमन 1 माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाय A 1 प्लस अल्फा। अगेन देखिए ये A कैंसिल, यहाँ यहाँ भी कैंसिल, तो देखिए क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 अल्फा स्क्वायर P, पी स्क्वायर नीचे P है और अल्फा स्क्वायर है, अच्छा यहाँ मान माइनस अल्फा था, तो देखिए यहाँ भी एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना इससे, बोलिए हाँ या ना, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बचेगा, एक P कैंसिल हो गया, तो देखिए दोनों में कोई फर्क है, यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर P, मैं इसलिए कहा ना आप रिलेट करके पढ़ेंगे, क्यों यहाँ 4 एक्स्ट्रा आया बनिस्बत की पिछले में, इसलिए आया कि यहाँ दो प्रोडक्ट नहीं था तो 2 का होल स्क्वायर 4 आया, यहाँ भी दो प्रोडक्ट तो बना लेकिन अलग अलग बना इसलिए 4 नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ याद करना आसान है, रिलेट करके पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा। बताइए आया समझ में, हेलो एवरी वन, यस सर। तो इस तरह का कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि मान लीजिए N2O4 एकदम इस तरह 10-10 दफा घर पर लिख लिख कर 2NO2 गैस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म याद हो, अगर आपको कभी भी इस तरह का इक्वेशन दे दे x गिव्स टू y, kp इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, बाकी एज इट इज रहेगा पिछले केस से।
क्यों नहीं याद होगा? बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। कोई भी क्वेश्चन दे दे, बताइए। आई टू गैस है, टू आई गैस हुआ, एनसीईआरटी का पहला या तीसरा क्वेश्चन है। बताइए, यहाँ पर केपी आप लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फोर स्क्वायर अल्फा बाई टी वन माइनस अल्फा स्क्वायर। अगर आपको ये समझ समझ के हो गया तो आपको दो सेकंड भी नहीं लगेगा। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछता है, इक्वेशन का केपी बताओ इन टर्म्स ऑफ अल्फा। हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। यस, कोई बोल ही नहीं रहे भाई, सारे लोग मिलके बोले हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखे, देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है। अब दो या ढाई क्लास से सिर्फ न्यूमेरिकल ही की प्रैक्टिस हो रही है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं हैं। एक एक महीना एग्जाम की वजह से गायब रहते हैं। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी भाई? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? नो सर। आयुषी साइंटिस्ट क्वारा, ये कहाँ थी इतने दिनों से? आयुषी श्रीवास्तव। यस सर। आप दो क्लास से शायद नहीं आ रही थी? यस सर, आई वाज नॉट वेल। अच्छा अच्छा, तो लेक्चर सब देख लिया है ना आपने? यस सर। ओके ओके, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने, मैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में आएगा तो मैं भी तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में बता ही दूंगा, एक दफा और आप देख के आएंगे। दो दिन जीओसी चलेगा, दो दिन यही इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम। और ऑर्गेनिक के लिए भी वही है, तो ऑर्गेनिक में ही मैं बताऊंगा। ऑर्गेनिक में नॉन न्यूमेरिकल, उसमें जिस दिन हर दिन पढ़ पढ़ के नहीं रखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर डे पढ़ के रखना है तो आपको ऑर्गेनिक समझने में आसानी होगी, वरना ट्वेल्थ में तो पूरी ऑर्गेनिक है। चलिए, लिख लिया तो बताइए। यस सर। कंक्लूजन लिखिए। अब एक लास्ट इक्वेशन है, उसका लिखकर मैं इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूंगा। अब प्रैक्टिस का मतलब वही है कि एक आध दो क्वेश्चन, हाँ ये लिख लिया, बताइए। यस सर। रिटर्न। तीसरा एग्जांपल जो है, टू एच आई गैस, एच टू गैस है और आई टू गैस है। अगेन देखिए, इनिशियल ए 0 0, ए माइनस 2x, एक्स और एक्स, क्लियर है। अगेन अल्फा मोल डिसोसिएट, बताइए एच आई का कितना मोल डिसोसिएट हुआ, जल्दी बताइए। 2x। 2x, वेरी गुड, 2x है। टू एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अल्फा। हमेशा याद रखिए, यहाँ पर कोई भी कोफिशियंट हो, सारे इक्वेशन में देखो ए माइनस ए अल्फा ही आया होगा। देख लो, कुछ भी रहे, थाउजेंड से मल्टीप्लाइड रहे, हमेशा ए माइनस अल्फा। अब बताओ एक्स क्या होगा, ए अल्फा बाई टू, क्योंकि देखो एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा बाई टू है, कहेंगे जल्दी बोलो यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू अल्फा बाई टू है ना? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, अब यही चीज डायरेक्ट बुक में लिखी रहती है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि यहाँ टू कैसे आ गया, तो इसलिए मैं साइड में लिख के समझा रहा हूँ।
आप कंसेप्ट से चलिएगा तो हर चीज समझ में आएगी। तीसरा स्टेप मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई टू प्लस ए अल्फा बाई टू, तो ये दोनों ऐड हो के ए अल्फा, ये पूरा कैंसिल ए ही बचा। चलिए यहां तक लिखिए, हाँ बोलिए, लिख लिया है तो बताइए। यस सर, रिटर्न रिटर्न। मैं पहले क्या करता हूँ, अलग अलग निकाल लेता हूँ। पहले एच आई का मोल फ्रैक्शन, उस टोटल प्रेशर, उसके मोल मोल फ्रैक्शन। एच आई का मोल इक्विलिब्रियम पर ए माइनस वन माइनस अल्फा है, बाई ए है, ए ए कैंसिल, तो ई इंटू वन माइनस अल्फा। अलग अलग निकाल के पहले पी एच टू है, तो पी इसका मोल है ए अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई ए इंटू टोटल मोल्स ए ही है, कैंसिल, अल्फा पी बाई टू। पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू भी यही होगा दोनों का, तो बराबर ही होगा। तो चलिए यहां तक तीनों का लिख लीजिए पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बाई फोर पी स्क्वायर कैंसिल, वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। पहले लिखे यहाँ तक, यही आपका फाइनली आया।
लिख लिया, जल्दी बताइए। हेलो, यस सर, रिटन रिटन। अब देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि आपके पास इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो, यानी 2x gives y plus z, 2:1:1, तो डायरेक्ट kp, इसका लिखने का तरीका आपके पास है अल्फा स्क्वायर, यहाँ देखिए इसमें p है ही नहीं है, समझा, तो याद रखिए 4 1 - α का होल स्क्वायर, बाकी तो दो याद ही आपको, एक में क्या था अल्फा स्क्वायर p, 1 - α² NO2 N2O4 में क्या था 4 α² p 1 - α², इसमें p नहीं है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको तीनों याद हो जाएगा, पता ये आया समझ में, हाँ जाना जल्दी बताए। यस सर। अब देखिए आपको मैं जब न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको इतना आसान लगेगा आपको कुछ लगेगा ही नहीं, लिख लिया बताइए। यस सर, रिटन। चलो ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन आपको रानी चाहिए, जैसे अगर आपको कोई कहे क्वेश्चन लिखिए एट 180 एंड 298 केल्विन एंड 204 इज 60% 50% डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड का मतलब भैया के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी, लिख लिया। यस सर,
अच्छा N2O4 डिसोसिएट होके क्या बनाता है, तो ये क्वेश्चन अब आपको याद रखना है। तो बताइए, तो बस KP कह रहा है निकालने के लिए कि इसका फॉर्मूला क्या पड़ा, 4 अल्फा स्क्वायर P1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा इज इक्वल टू 0.5 का होल स्क्वायर, टोटल प्रेशर यहाँ पर आपको दिया हुआ 180 एम। देखिए कितना आसान लगेगा आपको सर, नहीं अगर ये याद नहीं है तो बस आपको वही स्टेप वाइज कीजिए, टाइम लगाइए 2-3 मिनट। बोलिए आया समझ में, हेलो एवरीवन, इम्पोर्टेंट समझ में आई, इम्पोर्टेंट समझ में आई कि ये याद हो जाए तो सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। और समझ समझ के आपको रटवाया नहीं गया, पूरा प्रूव करके डिटेल मेथड भी बताया गया है। आपको कहेगा हमको सर ये याद नहीं रखना है, तो डिटेल मेथड पे जाइए आप, वो भी समझाया गया आपको, डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। 0.75 तो 4/3, दिस इज द आंसर। और एक और इम्पोर्टेंट, देखिए कितना टाइम बचाएगा दूसरे क्वेश्चन से आपको और एहसास हो। पहले लिखिए, हाँ बताएं। अरे भाई कुछ तो बोले, लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। बोलते क्यों नहीं है भाई?
इस क्वेश्चन से, तो आप यकीन जानिए आपको तो इतना इम्पोर्टेंस मालूम होगी कि अगर ये तीन इक्वेशन का अगर आपको ये नजरिया याद हो जाए शॉर्ट फॉर्म, और कह रहा है कि KP1 by KP2 is equal to 1 by 3 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X as well as Z, जबकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होता है भाई, रिएक्शन एक का कुछ और है कुछ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं X का भी अल्फा और Z का भी अल्फा सेम है, इसलिए देखिए कह दिया अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X as well as Z. सुना सारे लोग? हेलो, यस सर. कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर का आपको यानी P1 by P2 पूछ रहा है, their partial pressure, ratio of their partial pressure. हाँ बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, रिटेन. तो देखिए आप दो है, तो आप बताइए ये एक्स टू वाई, ये एन टू ओ फोर वाला है, तो इसका आप के पी वन जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, फोर अल्फा स्क्वायर पी वन बाई वन माइनस अल्फा स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना. हेलो एवरीवन, इसका yes, और ये PCL5 वाले केस पर है, तो देखिए KP2 जो लिखेंगे वो अल्फा स्क्वायर P2 वन माइनस अल्फा, जबकि अल्फा वन अल्फा टू होना चाहिए रूल के मुताबिक, दोनों का अल्फा अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई दोनों का अल्फा सेम लिया जा रहा है, क्वेश्चन का नजरिया ये है. अब कह रहा है भाई KP1 by KP2 वन बाई थ्री न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो आप इसका रेशियो ले लीजिए, यही P1 by P2 आपको कह रहा है, तो 4 अल्फा स्क्वायर पी वन वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर पी टू इज इक्वल टू 1 बाई थ्री. तो आपके पास ये आ गया कि भाई ये कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पी वन बाई पी टू इंटू फोर 1 बाई थ्री, सो द पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1 बाई 12 हो जाएगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना. हेलो हेलो, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो क्या करेगा स्टूडेंट बेचारा, इसका अलग से के पी वन का एक्सप्रेशन निकालेगा जैसे मैंने निकाला, फिर इसका निकालेगा, इट टेक्स मोर टाइम. ये सब ट्रिक्स जो टीचर समझा रहा है कि ये तीन इक्वेशन का अगर आपको याद रहे तो आपको 10 सेकंड में, जबकि अगर ना याद रहेगा तो देख लीजिए दोनों का अलग अलग निकालने में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए ये सब पर इम्पोर्टेंस को जाने, इसकी इस शॉर्टकट की इम्पोर्टेंस आपको ये जो डिटेल में थर्ड में समझाई गई. चलिए लिखें सारे लोग. अब आइए
लिख लिया. हेलो एवरीवन. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपके पास पहले लिख लीजिए. लिख लिया बताइए. यस सर रिटन. अगेन देखिए आप पर देखिए डिग्री ऑफ आई टू अंडर 180 एम प्रेशर इज 40%. ठीक है 40% हर 1000 डिग्री सेल्सियस पर है. इफ अल्फा इज रिड्यूस टू 20, अल्फा है ना 20% कम हो गया एट द सेम टेम्परेचर देयर पार्शियल देखिए है. तो आप बताइए कि सबसे पहली बात के पी के क्या होगा इसका. तो ये एन टू ओ फोर पर है तो 4 अल्फा स्क्वायर पी बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. बोलिए आया समझ में. हेलो एवरी वन. अब देखिए पहले हम ये KP हुआ अल्फा जब चेंज तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 इंटू पहले जो अल्फा आपके पास था वो 0.4 था. 40% का लो 40/100 तो 0.4 है. P आपको निकालना है. अच्छा यहाँ पर P दिया हुआ है कितना है 180 180 दिया हुआ. 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर. फिर कह रहा है रिड्यूस टू 20 तो यहाँ पर के पी डैश आ गया. तो अगेन फार्मूला तो वही रहेगा 1 माइनस अल्फा 4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर. इसी का पार्शियल प्रेशर निकालने को कह रहा है. तो सर कैसे निकलेगा. तो देखिए क्या कह रहा है सेम. देखिए मैं इसने कहा यहाँ पर क्या लाइन है बताइए क्या लिखा हुआ जल्दी बताइए. एट द सेम टेम्परेचर. आपने अभी नहीं पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेन दो फैक्टर होता है. टेम्परेचर जब सेम है तो KP इज इक्वल टू KP डैश लिख सकते हैं. हेलो एवरीवन. यस सर. हेलो. तो दोनों को इक्वेट करके निकाल लीजिए. दिस इज आसान यू नो 0.16 1 माइनस 0.16 टू 0.84 शुड बी इक्वल टू 4 इनटू 0.2 का होल स्क्वायर तो 0.04 समझा इनटू पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.096. बताइए 4 कैंसिल 4 कैंसिल एंड 16/84 शुड बी इक्वल टू पी बाय 4 पी बाय 96. अब यहां पर से 4 सा हो जाएगा तो पी इज इक्वल टू 4 इनटू 96/84. हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं जल्दी बताइए. हेलो. यस सर. तो बताइए इससे ये भी साबित हुआ कि अगर टेम्परेचर सेम है तो केपी भी सेम रहेगा. आया समझ में. बोलिए कंफ्यूजन तो दूर हो रहा है ना. देखिए इम्पोर्टेंट सब देखिए आप लिख लीजिए जल्दी से. अब एक एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चंस करा देता हूँ इस पर जल्दी करें.
Written. Sir, written. निकल गया तो बताइए. सर रिटन. एक लास्ट क्वेश्चन, फिर एक मैं नई चीज बताऊंगा. वो ये है कि मैं ये इसलिए करा देता हूँ, ये क्वेश्चन है एट सर्टेन टाइम क्वेश्चन है. At certain temperature of total pressure of 10 to the power iodine vapor contain 40% by volume of iodine atom. Calculate that. आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ IU2 गैस, Y गैस. पहले क्वेश्चन को एक दफा पढ़ लिया, जल्दी बताइए. हाँ यार. Yes, sir. हाँ. अब इसमें इसमें अल्फा अल्फा की जरूरत नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया ही नहीं हुआ है. मैं इसलिए क्वेश्चन कराया हूँ कि यहाँ 40% बाई वॉल्यूम है. What does mean? देखिए PV is equal to nRT है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होगा. जल्दी बताइए हाँ या ना. Yes, sir. बस वही है. और आपको मालूम है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन. यहाँ पर कहीं पर भी पार्शियल इनिशियल पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम का नहीं दिया हुआ है कि हम दो स्टेप लिख के निकालें. तो आप कैसे निकालेंगे? जो रूल है पार्शियल प्रेशर ऑफ आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ आई. तो पार्शियल प्रेशर निकाला कैसे जाए? तो टोटल प्रेशर देखिए दिया हुआ है, तो हमें मोल फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए. तो मोल फ्रैक्शन भी मालूम नहीं है. तो जब वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ, वॉल्यूम 40% है, इसका मतलब 40% बाई मोल है.
और कहीं पर भी क्वेश्चन में कहे कि 40% मोल, तो इसका मतलब ये हुआ इसका मोल फ्रैक्शन जो होगा वो 0.4 होगा। फ्रैक्शंस का मतलब यही होता है रेशियो, कहीं पर मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो मोल परसेंटेज हो गया आपको 40%। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यू अंडरस्टैंड? यस सर। जब वॉल्यूम 40% है तो मोल भी 40% है, तो जब मोल 40% है तो मोल फ्रैक्शन 0.4 है। आया समझ में? हेलो एवरीवन। तो देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमारे नोट्स में एनसीईआरटी के भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आसान क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे अगर आप करेंगे, तो जो टफ क्वेश्चन सब हैं उसको आप कर सकते हैं। तो प्रेशर आप देखिए, अब यहाँ पर टोटल प्रेशर 10^5, ये कह रहा आयोडीन वेपर कंटेन 40% आयोडीन एटम, तो आयोडीन एटम का ये 0.4 का एक मिनट 0.4 हो गया मोल फ्रैक्शन का होल स्क्वायर, तो I2 का कितना होगा 0.6। भाई आयोडीन वेपर 40% है तो आयोडीन एटम 40% है तो आयोडीन वेपर कितना होगा, वेपर का मतलब I2 क्या है 60%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह भी ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अल्फा के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, अल्फा के फॉर्म में आएगा तो वो ना मैंने प्रैक्टिस करा दी, बगैर अल्फा वाला क्वेश्चन था तो जो मैंने आपको कराया शुरू वाला कहा गया इस तरह लिख लिख कर कहा गया, ये जो इनिशियल पिछले क्लास में भी लास्ट न्यूमेरिकल। तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन से ही हुआ, ये भी पार्शियल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन से ही हुआ, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट याद कर लिया अल्फा के फॉर्म में तो आसान हो गया। पर इस इक्वेशन को भी तो हम ऐसे लिख सकते थे, कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं किया कि अल्फा तो हमें मालूम नहीं है, तो डायरेक्ट लिखने से ये न्यूमेरिकल नहीं होता। तो एज यूजुअल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, ये है। समझ में बात आई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप लोग, लिखे। हेलो एवरीवन, लिख लिया? बोलिए। यस सर, रिटन। छोटी सी रिलेशनशिप है, टॉपिक डालिए रिलेशन बिटवीन, याद है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी पढ़ा था, बोलिए हाँ या ना? अरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना आपने? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी नाम नहीं सुना है थर्मोडायनेमिक्स में? यस सर। देखिए एक ही स्टूडेंट, ये अरसलान क्यों चुप हो जाता है बीच में, मुझे समझ में नहीं आता है। टॉपिक डालें। अरे गिब्स फ्री एनर्जी पूछेंगे नहीं अरसलान क्या होता है, बताओ, सुने हो ना, पढ़े हो ना, पूछेंगे नहीं, घबराओ मत, एक आध दिन ऑफलाइन आके देखो कैसा लगता है, आओ ना एक दिन मुलाकात तो करो प्लीज।
हेलो साइंटिस्ट सर एकदम आइए आइए मुलाकात तो कीजिए ओखला में आइए आपके स्टूडेंट सब हैं आपके दोस्त सब हैं आइए आप संडे को आइए संडे छुट्टी रहती है ना संडे को आइए एक दिन सब संडे को ऑफलाइन में 2 बजे क्लास होती है आइए केमिकल बॉन्ड निकले सारे लोग हाँ या ना यस सर तो देखिए इसका इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना है -2.303 आर टी लॉग के सी आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ लेकिन स्टैंडर्ड जीरो का डेल्टा जी के फॉर्म में नहीं इक्वेशन आता है ये ड्राइव है लेकिन आपको डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है RT log KP ये थर्मोडायनेमिक्स में है लेकिन वो मैंने वहां इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम लोगों ने KCKP नहीं पढ़ा था अब इस पर डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझो तुम कर चुके हो न्यूमेरिकल क्या देगा KC दे के कहेगा डेल्टा जी निकालो जैसे यहां देखिए कहां गया ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के सामने स्क्रीन है आपके सामने बोलिए यस सर तो आपको यहाँ पर केपी ना देके कहेगा डेल्टा जी नॉट निकालो तो डेल्टा जी नॉट के लिए पहला काम क्या करोगे केपी ही तो निकालोगे पहले बोलो हाँ या ना yes, बोलो और डेल्टा जी का ये रिलेशनशिप तो समझो कि इसलिए मैं लास्ट में करा रहा हूँ कि आपको केसी केपी निकालने आ गया तो डेल्टा जी नॉट भी आ जाएगा पहले ये रिलेशन लिखिए उसके बाद में इसमें और मजीद बातें बताता हूँ डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड gives free energy change Written. Good scientist. अब देखें आपको नोट में ये पूछेगा कि KC की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ डेल्टा जी नॉट 0 आएगा और ये क्या होगा इक्विलिब्रियम आपसे पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर इक्विलिब्रियम ये पढ़ चुके हो देखो थर्मोडायनेमिक्स में आज प्रूफ भी हो गया देखो KC की वैल्यू 1 तो log 1 0 होता है अब देखो नंबर 1 नंबर 2 केसी ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा अब व्हाट इज द पहचान ऑफ नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम सुना है कि ये भी नहीं सुना है बोलिए हाँ या ना यस सर पढ़ा दिया गया अच्छा आपसे क्या पूछेगा ये नहीं डेल्टा जी नॉट नेगेटिव तो पढ़ चुके थर्मोडायन में आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द केसी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो ग्रेटर देन 1 क्यों लॉग ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पॉजिटिव से खुलेगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पहले लेस देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा
ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल तो आपसे सारा बनेगा क्योंकि केसी जब आता निकालने तो डेल्टा जी नॉट, एक तो डेल्टा जी नॉट का अपना फॉर्मूला डेल्टा जी आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो होगा ही, ये तो एंट्रोपी और एंथैल्पी की मदद से हुआ, जिस फिर एनर्जी चेंज वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो केसी केपी की मदद से, तो यही आपको होगा। तो समझ में आया? हेलो एवरीवन, बोलिए। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी है आप लोग। तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे सारे लोग मिलके, बोलिए। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर इस बैच में हो चुका है। हम जीओसी जो कि ऑर्गेनिक को समझ, नोमेनक्लेचर ना भी आए तो उसका कोई खास इम्प्लीकेशन नहीं, बस नाम माना चाहिए। जीओसी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आप ट्वेल्थ की भी ऑर्गेनिक पढ़ाने से पहले जीओसी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है। इलेवेंथ में जीओसी की उतनी इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होगी, लेकिन ट्वेल्थ में इसके ऑर्गेनिक का मतलब ही है कि जीओसी मजबूत होनी चाहिए। ट्वेल्थ वालों को भी पढ़ाने से पहले 3-4 क्लास जीओसी लेनी पड़ती है। अगर आपका 11th जीओसी बहुत मजबूत होगा तो फिर आपको बहुत मजा आएगा 12th की ऑर्गेनिक में, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा होता है, फिजिकल कम है। तैयार समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। 4 क्लासेस के शेड्यूल में मंडे फ्राइडे हमारा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट चलता रहेगा, अब इसका आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। हमने तोड़ तोड़ के पढ़ाया कि आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर के दो पार्ट हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, उसको खूब पढ़िए। थ्योरी कम है, थ्योरी में क्या क्या है, इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड नहीं करता, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखने का तरीका, लिक्विड सॉलिड का केसी में नहीं लिखते हैं, यह आना चाहिए। ली चटेरियर प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है, रिएक्शन कोशिएंट, बस यही थ्योरी है इसमें, बाकी सब न्यूमेरिकल पार्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। यस सर। चैप्टर को कंक्लूड करके पढ़िएगा तो आपको आसान लगेगा, ये क्या क्या टॉपिक है अपने उंगली पर गिनिए, उसी को पढ़िए, समझा कि नहीं, तो आपको आसान लगेगा। हाँ, आयनिक में तो और न्यूमेरिकल है, आयनिक में तो थ्योरी और कम है, समझा कि नहीं, इसलिए उसको मैं 2 दिन इसलिए रखा हूँ कि उस पर थोड़ा सा और आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी ऑर्गेनिक में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, वेंसडे।